नमस्कार, जीबीएन 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश में जुलूस ए मोहम्मदी के दौरान कई जगहों पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। जहां आगरा में एक घर की छत पर कथित तौर पर पाकिस्तान का झंडा फहराया गया, तो वहीं बहराइच में भी इसी तरह की घटना देखने को मिली। बता दें कि यहां एक गणेश पूजा पंडाल के सामने कथित तौर पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया और मुसलमान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिससे दोनों इलाकों में तनाव देखने को मिल रहा है। इन घटनाओं के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। बता दें कि पहली घटना आगरा में हुई, जहां एक जूता व्यापारी के दो मंजिला घर की छत पर कथित तौर पर पाकिस्तान का झंडा लगाया गया। आसपास के लोगों ने जब ये झंडा घर पर लहराता देखा तो इसकी वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घर का झंडा नहीं मिला। वहीं इस मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ता बंटी ठाकुर की शिकायत पर पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त घर के मालिक घर में नहीं थे, वो किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। ऐसे में उनके घर पर ये झंडा किसने लगाया और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में गहराई के साथ जुट गई है। पुलिस के मुताबिक ये घर अदनान नाम के शख्स का बताया जा रहा है। ये घर काफी बड़ा है, उसमें नीचे जूता फैक्ट्री चलती है, अदनान का एक होटल भी है, लेकिन उसके घर पर कथित तौर पर पाकिस्तान का झंडा किसने और क्यों लगाया, इसे लेकर पुलिस प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। इसके पीछे किसी तरह की साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वही दूसरी घटना बहराइच में देखने को मिली, जहां बलरामपुर में लगाए गए गणेश पंडाल में कथित तौर पर फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया और गणेश पंडाल में मुसलमान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसके बाद इलाके में तनाव है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सतर्क है। इन घटनाओं के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रदेश में कुछ अराजक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में एक मकान की छत पर पाकिस्तान का झंडा फहराया गया। इसका वीडियो पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति ने बना लिया। छत पर झंडा लगाने वाले तीन लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इनमें से दो लोगों की पहचान का दावा किया जा रहा है। इस मामले में हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता बंटी ठाकुर ने सदर थाने में केस दर्ज कराया है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो वहां से झंडा गायब था। दरअसल मामला 15 सितंबर की शाम की है। बजरंग दल के कार्यकर्ता बंटी ठाकुर ने बताया कि थाना सदर शमशाबाद रोड राजपूत चुंगी क्षेत्र में एक मकान की छत पर पाकिस्तान के झंडे का वीडियो मिला था, जिसे स्थानीय युवक ने उन्हें भेजा। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी। पुलिस के साथ जब वे शाम को मौके पर पहुंचा तो झंडा छत से गायब था, लेकिन वीडियो में तीन युवक पाकिस्तान का झंडा उसी छत पर लगा रहे थे। उन्होंने थाना सदर में केस दर्ज कराया है। थाना सदर प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि डॉक्टर मनोज के अस्पताल के सामने बने एक बड़े मकान की छत पर पाकिस्तान का झंडा फहराया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के देखते रहिए जीबीएन 24। नमस्कार।